हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कैसे हैं, ठीक हैं और सुनाएं सब खैरियत है जी। मैं ये आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ बहुत दिनों बाद अज़रबैजान बाकू के बारे में। अगर आप लोग अज़रबैजान बाकू के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली पीपल, आप सब लोगों के लिए अज़रबैजान का जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल है। इसके लिए जो है आपको टिकट लेना है और सिंपली और टिकट लेके आपने अज़रबैजान आ जाना है। यहाँ पर आपका $24 का जो है वो वीज़ा इशू होता है, जो कि अज़रबैजान एयरपोर्ट पे आप ही आपको मिल जाता है। वहाँ मशीन्स लगी हुई हैं और अगर आपने यहाँ पर परमानेंट स्टे करना है या रहना है तो आप लोग काइंडली कोशिश करें कि बिज़नेस वीज़ा लीजिएगा, विजिट वीज़ा मत लीजिएगा, क्योंकि बिज़नेस वीज़ा जो है वो यहाँ पर रहकर आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वर्क परमिट में। TRC लेने के लिए भी आप वो वीज़ा गेट कर सकते हैं बिज़नेस का, और अगर आप विजिट वीज़ा ले लेंगे वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो कन्वर्टेबल नहीं होगा। उसके लिए आपको फिर कंट्री लीव करना पड़ेगा, फिर दोबारा से आपको उस पर आना पड़ेगा, बिज़नेस वीज़ा बनाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। बेटर ये है कि आप लोग जो है जब एयरपोर्ट पर पहुँचें तो बिज़नेस वीज़ा लें, क्योंकि फ़ी तो तीन दोनों की सेम ही है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा एक बेनिफिट ये है कि वो कन्वर्टेबल है, वो कंट्री विद इन कंट्री जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और आप यहाँ पर इजीली फिर जो है TRC अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं या बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और काइंडली मेरी वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोगों से यही एक गुजारिश है। सो अगर आपको मज़ीद और अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए, मज़ीद इंफॉर्मेटिव अबाउट अदर कंट्रीज़, अबाउट यूक्रेन, अबाउट अमेरिका, अबाउट शेंजन कंट्रीज़, तो आपको इजी वे बताएंगे और जिसके ज़रिए आप इजीली वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की, मोस्ट वेलकम, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो शेयर कर चुका हूँ, और आप वो कॉन्टेक्ट नंबर लेकर आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए ये है कि कोई इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं होती, कुछ नहीं ज़रूरत, आप लोग सिंपल टिकट लें और टिकट ले कर आप लोग आ जाएँ। और ये बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत नीट एंड क्लीन कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं, काइंड पीपल हैं, इंडियंस के लिए, पाकिस्तानीज के लिए एक अच्छा कंट्री है। यहाँ पर आप रह के आप फिर आगे किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, मतलब यहाँ का टेम्प्रेरी कार्ड लेकर 6 महीने रहकर थोड़ा कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर लें आप, $10,000-15,000 में छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, तो ईज़िली आप किसी भी कंट्री में फिर मूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर